हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले न्यू KTM ड्यूक 250 के बारे में। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2022 मैन्युफैक्चरिंग KTM ड्यूक 250 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को ड्यूक 250 के बारे में सारी चीज़ आपको कम्प्लीट मैं बताने वाला हूँ कि क्या प्राइस आती है, इस बाइक का कितना प्राइस बढ़ा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका जो लेटेस्ट प्राइस क्या है, ऐसी बहुत सारे जो क्वेश्चन आप लोग के वो आते रहते हैं ड्यूक 250 को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आप KTM की ड्यूक 250 लेना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल सके बाइक के बारे में। फिर आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वीडियो है वो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता चल सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 250 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं न्यू KTM ड्यूक 250 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है बजट कि भाई हमारे पास पैसे कितने हैं। जितना हमारे पास पैसा होता है उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं और किसी चीज़ को खरीदते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि KTM ड्यूक 250 और KTM की सभी बाइक्स का जो प्राइस है, अभी 15 दिन पहले ही इनका जो प्राइस है वो KTM की तरफ से बढ़ाया गया है। दोस्तों पहली ये बाइक एक्सरूम प्राइस आ रही थी लगभग 2,29,000, 2,29,000 रुपये के आसपास की बाइक आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिल रही थी कुछ दिन पहले तक। लेकिन दोस्तों अब इस बाइक का प्राइस हो गया 2,35,000, 2,35,000 रुपये के आसपास की जो बाइक है अब दोस्तों एक्सरूम प्राइस हो चुकी है इंडियन मार्केट में। मतलब बाइक का जो प्राइस है भाई वो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ चुका है। बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा, हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO और इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। दोस्तों ये बाइक हमारे यहाँ अब ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 2,67,000, 2,67,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप लोगों के यहाँ ये बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं ड्यूक 250 के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि KTM ड्यूक 250 2022 मॉडल, मतलब मेरा कहने का ये था कि 2022 मैन्युफैक्चरिंग बाइक है। देखिए जब भी आप कोई बाइक खरीदने चाहते हैं तो हमेशा आप शोरूम से ये कहिएगा कि हमें लेटेस्ट जनरेशन की मैन्युफैक्चरिंग बाइक चाहिए, 2022 मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो भी लेटेस्ट ईयर होगा। देखिए कभी भी ध्यान रखिए, जब RC हमारी बन के आती है तो RC में लिख कर आता है कि ये बाइक इस साल की मैन्युफैक्चरिंग है और उस वजह से आपकी बाइक की जो रीसेल वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि ड्यूक 250 के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और मेरे हिसाब से दोस्तों आज भी इस बाइक का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा क्रेज़ है इंडियन मार्केट में। दोस्तों बात कर ले इस बाइक के बारे में, तो ये दोस्तों इसके जो इंजन टाइप आता है KTM ड्यूक 250 का, वो आता है लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर DUSC 4-स्ट्रोक इंजन जो है आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। दोस्तों इस बाइक में KTM की तरफ से 248.8 cc का जो इंजन है वो यूज़ किया गया है। जनरली आप इसे 250 cc के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम पावर में इस बाइक में 30 PS के आसपास का पावर आता है जो कि 9,000 RPM पे पावर जनरेट करता है एंड मैक्सिमम टॉर्क में 24 का इंटरमीडिएट टॉर्क है जो कि 7,500 RPM पे पावर जनरेट करता है। इट मींस आपको KTM ड्यूक 250 में पावर एंड जो टॉर्क है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 250 सेगमेंट में मुझे जहां तक पता है कि इंडियन मार्केट में इस बाइक में आपको सबसे ज्यादा पावर दिया गया है KTM की तरफ से। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में बाइक को डिजाइन किया गया, नॉर्म स्टेप एमिशन टाइप BS6 कंप्लाइंट इंजन है। दोस्तों इस बाइक में आपको क्लच में ध्यान कि स्लीपर क्लच देखने को आते हैं और स्लीपर क्लच होने की वजह से बाइक की जो गियर सेफ्टिंग है वो आपको बहुत ही स्मूथली देखने को मिलेगी और परफॉर्मेंस में भी अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स बाइक में देखने को मिल जाएंगे। स्टेयरिंग टेप में ध्यान रखिए, बाइक में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन आता है, किक का ऑप्शन नहीं आता। भाई लेटेस्ट जनरेशन की जितनी बाइक्स है जिसमें सब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें किकलेस ही बाइक आ रही है, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है कि ये मैनुअल हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक जो होती है वो मैनुअल के साथ उतना परफेक्ट नहीं बैठ सकती। इस बाइक की जो बोर साइज़ है वो 72 mm के आसपास की, जो स्ट्रोक साइज़ है 61.1 mm के आसपास की आपको बाइक में देखने को मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों KTM ड्यूक 250
250 का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा, ये बाइक काफ़ी पावरफुल और काफ़ी बेहतरीन बाइक आपको KTM की तरफ से देखने को मिलती है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक की माइलेज के बारे में एंड परफॉर्मेंस के बारे में। अब माइलेज यार आपको पता है कि आजकल पेट्रोल का प्राइस क्या तक पहुँच चुका है, जिस हिसाब से पेट्रोल का प्राइस है उस हिसाब से माइलेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों इस बाइक में आपको ऑलमोस्ट 30 किमी पर लीटर के आसपास का जो माइलेज है वो देखने को मिल जाएगा। 0 to 100 में इस बाइक को लगभग 8.64 सेकंड लगते हैं और वहीं दोस्तों टॉप स्पीड बाइक की लगभग 148 से 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास की आपको बाइक में मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सबसे पहले बाइक की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको बाइक में मिलती है। स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं दोस्तों, बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि स्पीडोमीटर आता है, टेकोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, क्लॉक है, ABS लाइट है, LED इंडिकेटर है, फ्यूल गेज है, लो फ्यूल वार्निंग लाइट है, गियर इंडिकेटर है, सर्विस रिमाइंडर है, लो ऑयल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, गियर शिफ्ट लाइट है, इंजन चेक इंडिकेटर है। ये सारे जो फीचर्स आपको इसके स्पीडोमीटर में देखने को मिलेंगे। देखिए KTM की जो बाइक्स होती है इनमें फीचर्स की कोई कमी नहीं होती। फीचर्स के मामले में भाई मुझे पता है कि KTM अपनी बाइक्स में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे फीचर्स देता है। बात कर लेते हैं इस बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन में आपको चेसी टाइप में दोस्तों बाइक में आपको स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिल जाता है जो कि KTM की सभी बाइक्स में यूज़ किया जाता है। सस्पेंशन में आपको बताना चाहूँगा, इस बाइक में फ्रंट में 43mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलता है। दोस्तों WP के बहुत ही प्रीमियम सस्पेंशन है और बहुत ही अच्छे सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं KTM की तरफ से। रियर में आपको बाइक में WP के एपेक्स वाले मोनोशॉक सस्पेंशन रियर में देखने को मिलेंगे। 10 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है ये बाइक में। बात कर लेते हैं इसके डाइमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो 2026mm की है। बाइक की जो ओवरऑल वीट है वो 836mm के आसपास की है। इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट है दोस्तों है लगभग 1267mm की। इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 51mm की। इस बाइक की जो सीट हाइट है दोस्तों है लगभग 822mm के आसपास की, अराउंड आपके 85.2 है, इससे ऊपर है तो आप इससे रात चला सकते हो। इस बाइक की जो व्हील बेस है वो 1357mm की है। बाइक का जो कर्व वेट है दोस्तों है लगभग अराउंड 169kg के आसपास का कर्व वेट आपको बाइक में मिल जाता है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं अब इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। अब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिकल्स है यही मेन रीजन है ड्यूक 250 का सबसे ज्यादा सेल होने का। देखिए KTM की ड्यूक 200 भी आती है और 125 भी आती है, उसको उतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। और KTM की ड्यूक 390 बहुत बेस्ट है लेकिन उसका प्राइस काफी ज्यादा है, तो 250 ना एकदम परफेक्ट बैटरी है। लाइट देख पा रहे हैं बाइक में आपको फुली LED लाइट देखने को मिलता है। यार LED लाइट तो है लेकिन लुकिंग वाइज भी काफी यूनिक लगता है और काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। देख पा रहे हैं आज पे मेन लाइट में आपको फुली LED लाइट देखने को मिल रहा है। टर्न सिग्नल लैंप भी LED है। टेल लाइट में भी आपको बाइक में LED लाइट देखने को मिलता है। बैटरी कैपेसिटी 8Ah की 12 वॉट की बैटरी आपको इस बाइक में देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के ब्रेक्स एंड टायर साइज के बारे में। सबसे पहले बता दूं टायर साइज के बारे में। टायर साइज भी दोस्तों इस बाइक में आपको फ्रंट में 110/70 का टायर देखने को मिलता है जो कि 17 इंच व्हील के साथ में आता है, और रियर में आपको बाइक में लगभग 150/60 के आसपास का टायर देखने को मिलेगा, वो भी 17 इंच व्हील के साथ में आता है। बात कर ले दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में दोस्तों इस बाइक में आपको बहुत सारे एडवांटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको बाइक में आपको डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। जी ABS है जो कि डुअल चैनल ABS मिलता है। प्लेट साइज के बारे में बात करें दोस्तों, फ्रंट में आपको बाइक में लगभग 320 mm की जो प्लेट है वो फ्रंट में यूज की है इस बाइक में, और रियर में लगभग 230mm के आसपास की जो प्लेट साइज है वो KTM ड्यूक 250 में यूज़ की गई है। तो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 250 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।